जो पहले राउंड में हुआ है, चूंकि जो भ्रष्टाचार हुआ है, भ्रष्टाचार का 25% हिस्सा सीएजी की रिपोर्ट में आ गया है, 75% भ्रष्टाचार का खुलासा होना बाकी है। कांग्रेस पार्टी इलाहाबाद पे एकदम वहां की भौगोलिक स्थितियां कहां कहां कैसे कैसे क्या रही है उसकी जांच के लिए जल्द एक प्रतिनिधिमंडल इलाहाबाद भेज रही है। दूसरा, जो हमारे कांग्रेस पार्टी का लीगल डिपार्टमेंट है, इसको लेकर हाईकोर्ट जा रहा है और हाईकोर्ट में उसके खिलाफ एक पीआईएल दाखिल करेगा, जो जांच के लिए होती है वो दाखिल करेगा। और कांग्रेस पार्टी तो केंद्रीय ऐसी पार्टी उत्तर प्रदेश की है, भारतीय जनता पार्टी के अहंकार के खिलाफ सड़क से लेकर फ्रंट तक संघर्ष करती है। कांग्रेस पार्टी सदन में इस मामले को उठा चुकी है, सड़क को लेकर संघर्ष करने की सिर्फ दो टेबल की बैठी है, इसको निकाल देना है। इसमें उत्तर प्रदेश की सरकार ने प्रतिस्पर्धा करते हुए घोटाले से, जो घोटाले की सबसे बड़ी रिकॉर्ड बनाई गई योगी सरकार ने, उसमें योगी सरकार ने स्कूटर से, मोटरसाइकिल से, कार से करोड़ों रुपए के कई टन मिट्टी खोद डाली, कई टन मिट्टी वहां से निकाल डाली। यही नहीं किया, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 80% काम जिसमें टॉयलेट बनने थे, जिसमें टॉयलेट के साथ साथ उनके और सारी सफाई के काम होने थे, जिस अधिकारी के यहाँ के लोग होते थे उनके परिजनों को बिना टेंडर के काम दे दिए और सिर्फ उस पर पेंटिंग करा के उनके वेतन का भुगतान कर लिया गया। आज वो लोग जो वहां काम किए थे या वो अधिकारी जो वहां काम करवाए थे, वो सरकार के शीर्ष स्थान पर दिल्ली में तैनात है।